इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी विकास दुबे एनकाउंटर की जांच को लेकर एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में आरोप लगाया गया कि विकास दुबे को साजिश के तहत मार गिराया गया ताकि उससे जुड़े सफेद पोश लोगों के राज ना खुल सके। विकास दुबे जो अपराधी था जिसने 8 पुलिस कर्मियों को की हत्या कर दी थी, उसको लेकर उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया कल रात, और उसको लेकर हमने एक याचिका दायर की है, इमरजेंसी याचिका दायर करी है जिसको CGI ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये प्रेयर करी है कि पुलिस ने जानबूझकर विकास दुबे को इसलिए एनकाउंटर करा है कि जिससे कि जो जिन नेताओं का जिन अधिकारियों का उनको संरक्षण प्राप्त था उनके नाम उजागर ना हो पाए। विकास दुबे के बेटे को लखनऊ पुलिस अपने साथ ले गई है। लखनऊ में अपनी दादी से वो मिलने गया था, विकास का बेटा। दादी ने विकास के बेटे से मिलने से फिलहाल इनकार किया था। पुलिस विकास के बेटे को अपने साथ ले गई। विकास दुबे कल मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि वो बेटा अपनी दादी से मिलने गया था लेकिन दादी ने मिलने से इनकार कर दिया। विकास दुबे के बेटे को लखनऊ पुलिस अपने साथ फिलहाल ले गई। लखनऊ में अपनी दादी से मिलने गया था विकास का बेटा लेकिन दादी ने विकास के बेटे से मिलने से इनकार कर दिया। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, दादी ने बेटे से मिलने से इनकार कर दिया, क्यों? देखिए बिल्कुल अर्पिता, कल भी आपने देखा होगा कि जब पुलिस ने जो आम और लोगों ने मीडिया के लोगों ने उनकी माँ से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अपने बेटे के जहाँ शव था वहाँ जाने से इनकार कर दिया। उसी तरह जो उनका बेटा आज बड़ा आकाश जो है विकास दुबे का बड़ा बेटा जो दिल्ली रहता था वो अपनी दादी से मिलने लखनऊ पहुंचा था, उसकी दादी उससे नहीं मिली, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, घर के अंदर भी नहीं आने दिया, गेट बंद रखा। तो उसके बाद कृष्णानगर पुलिस आई और उसे अपने साथ ले गई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर उनका आकाश दुबे की माँ दुखी है, जो पूरा घटना हुआ जो वाक्या हुआ उनको भी लगता है कि जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए उसमें इनके बेटे की गलती थी, लिहाजा कल भी उन्होंने अपना स्टैंड साफ रखा। और आज भी जब उनका पोता यानी विकास दुबे का बड़ा बेटा आकाश मिलने पहुंचा था तो उन्होंने उससे मिलने से मना कर दिया। और उसके बाद अर्पिता जब कृष्णानगर पुलिस आई और पूछताछ की, आकाश को अपने साथ ले गई जी।